हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, रियलमी बैंड हाई रेट सेंसर और क्रिकेट मोड के साथ भारत में लॉन्च किया है कीमत। जी हां गाइज, मैं आपको बताऊंगा पूरा स्पेसिफिकेशन रियलमी बैंड के बारे में और इसका क्या है प्राइस और इसका क्या है सेल और क्या आपको ऑफलाइन स्टोर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक हमारे चैनल वाईफाई दोस्त को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र आई डी आपको बगल में दिख रहा हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रियलमी बैंड हाई रेट फीचर के साथ भारत में लॉन्च हो गया है। भारत में रियलमी फिटनेस बैंड का कड़ा मुकाबला Xiaomi के फिटनेस बैंड MI बैंड 4 के साथ होगा। रियलमी बैंड USB डायरेक्ट चार्ज और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसे सेंसर फीचर से हैं। लेंस फिटनेस बैंड में 5 अलग अलग तरह के डायल डिजाइन भी शामिल है। इसके अलावा रियलमी बैंड के स्टेप को 3 रंग के विकल्पों में लॉन्च किया गया है। रियलमी बैंड को रियलमी लिंक ऐप का इस्तेमाल कर एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ जोड़ा जा सकता है। फिटनेस बैंड में एक समर्पित क्रिकेट मोड भी है जिसे विशेष रूप से भारतीयों के लिए बनाया गया है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ गाइस रियलमी बैंड प्राइज इन इंडिया लॉन्च ऑफर्स की। तो भारत में रियलमी बैंड की कीमत 1499 रुपये है, यानी 1500 रुपये। फिटनेस बैंड ब्लैक, ग्रीन और येल्लो रंग के स्टेप में आता है और realme.com वेबसाइट के जरिए सीमित अवधि के लिए हेड टू वेट सेल के जरिए खरीद के लिए उपलब्ध है। हालांकि पहली नियमित सेल 9 मार्च को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। रियलमी बैंड जल्द ही अमेजन और ऑफलाइन स्टोर के जरिए भी उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि यह आपको रियलमी बैंड फ्लिपकार्ट में नहीं मिलेगा बल्कि सिर्फ अमेजन और ऑफलाइन स्टोर पे मिलेगा। और ये याद दिला दें कि Xiaomi ने भारत में अपना MI बैंड 4 फिटनेस बैंड 2499 रुपये से लॉन्च किया था, जो फिलहाल 2299 रुपये में बेचा जा रहा है। रियलमी बैंड में 0.96 इंच कलर TFC LCD पैनल है, जो कि 80x160 पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ आता है। डिस्प्ले में टच बटन है। यहाँ 5 अलग अलग ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है, जिसे रियलमी लिंक ऐप के जरिए सेट किया जा सकता है। इसके अलावा डिस्प्ले पैनल गेविंग सेंसर के साथ आता है, जिसकी वजह से कलाई के ऊपर उठाते ही आप इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। रियलमी बैंड में 5 डायल केस है, जो रियलमी लिंक ऐप का इस्तेमाल कर रियलमी बैंड में सेट किए जा सकते हैं। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि भविष्य में ओवर द एयर अपडेट के जरिए इसमें अतिरिक्त डायल केस भी जोड़े जाएंगे। तो गाइज, यह थी रियलमी बैंड के बारे में कुछ विशेष जानकारी। और यहाँ पर एक और विशेष जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। बैंड एक 90 mAh क्षमता की बैटरी के साथ आता है और कंपनी का दावा है कि चार्ज में बैंड 6 से 9 दिन तक चल सकता है, जो कि गाइज यहां पे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक दिन चार्ज करने पर आपका गाइज 9 दिन तक चलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो यह थी गाइज रियलमी बैंड के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको लेना है या नहीं भी लेना है तो आप इस वीडियो को पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइज, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आप कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं इसी तरह अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।